नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे ट्रैफिक अपडेट की, क्योंकि मौसम का मिजाज बदलने से ट्रैफिक का अपडेट में भी बदलाव आया है। आपको बता दें कि मौसम के बिगड़े मिजाज से ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो गई है और हल्की बर्फबारी और फिसलन के कारण प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो गई है, रास्ता साफ होने की सूरत में ही यातायात को बहाल किया जाएगा। आवाजाही बंद होने से राजौरी पुंछ के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और उसी के चलते जब भी बर्फबारी होती है मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो जाती है तो जाहिर तौर पर वहां पर जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहना है उनका, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम तो ये कहते हैं कि ये जो मुगल रोड है, ये मुगल शाहरा जो है 12 महीने चलनी चाहिए। अभी तो बर्फ भी नहीं है, आज छोटी मोटी है तो मेरी महकमा से ये गुजारिश होगी कि मशीनें, क्योंकि आपको दस्तियाब हैं, साथ और साथ मशीनें लगा के बर्फ हटाई जाए ताकि लोगों का आना जाना जो है उसमें आसानी रहे। स्टेशन से भी कहूँगा कि वो भी इस बार गौर करें और कम से कम एक महीना जब तक ज्यादा बर्फबारी नहीं हो जाती इस रोड को चालू रखा जाए। कई मामला हैं, वो नजदीक पड़ता है, गरीब लोग हैं, वो सोरा में जाते हैं, वहाँ मुफ्त इलाज होता है, तो इससे ये बातें जो है रजौरी पुंछ के लिए बड़ी अहम है। बनना चाहिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे मखसूस कर दिए टनल बनना चाहिए, इसमें क्या तंगी की बात है। मैं आपके जनरल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की बात जो है आवाम तक रखते हो और सरकार तक पहुँचाते हो, आपका भी शुक्रिया। और आपके क्या कुछ कहना था वहाँ के लोगों का, उनका कहना है कि हमारी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं जब बर्फबारी के साथ ही मुगल रोड की यातायात बंद कर दिया जाता है और उसी के चलते अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं राजौरी से। जमशेद बताइएगा, मुगल रोड तो बंद हो चुकी है, दिक्कतें भी बढ़ चुकी हैं, क्या कुछ और ताजा तफसीलात है? बिल्कुल, अगर ये कहें कि इसी महीने में ये दूसरी बार मुगल शाहरा बर्फबारी के कारण बंद हुई, हालांकि कल की हल्की बर्फबारी मुगल शाहरा पर हुई है मगर फिसलन ज्यादा होने के कारण इस शाहरा को एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जरूर देखने को मिल रहा था मगर आज देर रात से ही शुपियां के इलाके में ज्यादा बर्फबारी होने के कारण इस रोड को बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले मेरी डीएसपी ट्रैफिक से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि अगर बर्फबारी का सिलसिला जिस तरह लगातार चल रहा है, ऐसा चलता रहा तो शाहरा को जल्द दोबारा नहीं खोला जाएगा, अगर खुल भी जाती है उसके बाद मौसम साफ होगा तभी खुल जाएगी, क्योंकि हालांकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये पहले ही आगाह कर दिया गया कि एतवार तक बारिशें होने का चांस पूरा बना हुआ, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, उसको देखते हुए ये रोड बंद रखी गई और आज सुबह से ही इस मुगल शाहरा को दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। क्यों, अगर ये कहें कि अब इस दोबारा को शाहरा को दोबारा खोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसी महीने के आखिर तक ये रोड हर साल 6 महीने के लिए तकरीबन बंद हो जाती है और आज देर रात से जिस तरह बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा था उसके बाद आज हल्की बर्फबारी हालांकि हुई है मगर एहतियातन तौर पर कोहरा होने के कारण इस रोड को बंद कर दिया। प्रियंका, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब काफी देर लग सकती है यातायात को बहाल करने के लिए और जिस तरह से बताया जा रहा है कि रास्ता साफ होने की सूरत में ही यातायात को बहाल कर दिया जाए, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है ताकि जल्द से जल्द रास्ता साफ हो और यातायात बहाल किया जा सके? बिल्कुल, जहां तक प्रशासन पुंछ प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनके हाथ में वहीं तक है जहां तक वो काम कर सकते हैं, जहां यही हो सकता है बर्फ हटा सकते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है मौसम का। अगर मौसम करवट लेता है, ज्यादा बर्फबारी होती है तो उसके बाद यहां से बर्फबारी हटाने का काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन इलाकों में 10 से 12 फुट तक बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलता है, खास करके पीर की गली के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ गाँव ऐसे हैं जैसे तुशाना इलाका हो गया, डुगना इलाका हो गया, यहाँ के लोग हर बार हिजरत करके निचले इलाकों की तरफ आ जाते हैं क्योंकि काफी बर्फबारी का सिलसिला इस इलाके में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज मौसम का बात करें मैदानी इलाकों में तो मौसम खुशगवार जरूर, हल्का हल्की सी धूप ही निकली हुई है मगर पहाड़ी इलाकों में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, खास करके पीर की गली के इलाके की बात करें जहां हीरपुर इलाके में आज सुबह काफी बर्फबारी हुई है, पीर की गली में हल्की हल्की बर्फबारी हुई है मगर फिसलन के कारण तो बड़ा आसान हो क्योंकि हिली एरिया है, इस कारण पहले यातायातन तौर पर अभी इसको बंद कर दिया गया। प्रियंका जी, शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त हम अपडेट पहुंचा रहे थे सबसे पहले मौसम और ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक में जो बदलाव आया है क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा है और मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
चलिए अब रुक करते हैं गुलमर्ग का, क्योंकि गुलमर्ग में बहुत सारे टूरिस्ट पहुंचे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उसी के चलते ये भी जानने की जरूरत है कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बर्फबारी के कारण रोड स्लिपरी है, उसके चलते क्या कुछ एहतियातन तौर पर कदम उठाने चाहिए वो आपको बताएंगे। गुलमर्ग की सैर पर पहुंचे पर्यटकों को फिलहाल मांगी मुराद मिली है। गुलमर्ग में चिलयकलां के इस दौर की पहली बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का जमकर बाहरी राज्यों से आए टूरिस्ट लुत्फ उठा रहे हैं। टंगमर्ग और बाबा ऋषि सहित कई इलाकों में बर्फ गिर रही है। तो जैसे ही चिलयकलां शुरू हुआ है, उसी के साथ आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फबारी शुरू हुई है। बाबा ऋषि में बर्फबारी हो रही है, टंगमर्ग में बर्फबारी हो रही है। बहुत सारे पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर पहुंचे पर्यटकों को जैसे मांगी मुराद मिल गई हो। और आप देख सकते हैं बाहरी राज्यों से बहुत तादाद में जो टूरिस्ट हैं वहां पर पहुंचे हैं, और किस तरह से इस बर्फबारी का वो आनंद ले रहे हैं साफ तौर पर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बर्फबारी में जो रोड्स हैं वो काफी स्लिपरी हो जाती हैं, जिसके चलते क्या कुछ जो है एहतियातन तौर पर कदम उठाने चाहिए वो भी समझने की जरूरत है। पर इस बार जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बहुत अच्छा वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। काफी तादाद में टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, होटल्स मैक्सिमम बुक हैं, और वहां के जो लोग हैं वो भी काफी खुश हैं जो इस बार सर्दियों में इतनी तादाद में टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। फैमिलीज आप साफ तौर पर देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बाहरी राज्यों से आए हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ और कहना है इन्हीं की, टूरिस्ट जो वहां पर पहुंचे हैं इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बहुत अच्छा है, हमारे जगह तो स्नोफॉल नहीं होता, सिर्फ बारिश है, इसलिए पहली बार ऐसा देखते बहुत खुश हुआ है। हम भी और हमारे फैमिली भी सब हैं इधर। मैं सभी को इधर आने के लिए जरूर रेकमेंड करेगा, बहुत अच्छा है इधर स्नोफॉल और ये सब देखने के लिए कश्मीर जरूर आना। पूरे साल भर से इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी मतलब कब देखने मिलेगी। पिछली बार भी आए थे बट मिली नहीं थी, बट इस बार बहुत ज्यादा खुश हैं कि मिल गई, सो हैप्पी। तीसरा चिलयकलां ने आज तो तीसरे चिलयकलां ने अपना रुख देखा है, जिसकी मतलब दिखाया जो जिसके लिए ये फेमस है। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं आज बहुत खुश है और हम भी खुश है, और अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि और बर्फ गिरे, क्योंकि बर्फ गिरने से ये हमारे यहाँ पे जो है ना रौनक बढ़ जाती है। और सभी लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि वो भी आ जाए यहाँ, यहाँ का जो कुदरती हुसन है इसका, इससे वो लुत्फ अंदाज हो जाए। और ये जो महीना अभी चल रहा है चिलयकलां का, इसका हमें मतलब साल भर यहाँ पे इंतजार रहता है कि ये महीना कब आ जाए, क्योंकि इसमें ऊपर वाला किसी को निराश नहीं करता, सभी लोग यहाँ पे कमाते हैं। चलिए रुक करते हैं गुलमर्ग का। गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इश्फाक डार हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इश्फाक, सबसे पहले साफ तौर पर हमने स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से टूरिस्ट वहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मुकामी लोग काफी खुश हैं कि इतनी तादाद में टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। पर सबसे पहले बताइएगा कि जो रोड स्लिपरी हो चुकी है उसके चलते क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है। जी गंगा जी, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और आज जो है यहाँ पर चिलयकलां की पहली बर्फबारी जो हुई है यहाँ पर सहजमकाम गुलमर्ग में। 2-3 इंच बर्फबारी जो है सहजमकाम गुलमर्ग में रिकॉर्ड की गई। वही अक्रम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है टंगमर्ग का, जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर आज से सुबह जो है हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन जो इंतजाम है, जो जिला इंतजाम की तरफ से एसडीएम गुलमर्ग ने वादा तौर एक हुक्मनामा जो है सादर किया है कि सहजमकाम गुलमर्ग को तरफ है किसी भी गाड़ी को बगैर वहां जाने दिया जाएगा। ये जो नजारे हैं ये साजिब का गुलमर्ग के हमारे नाजिक देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बिल्कुल लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बगैर व्हीकल के जो ट्रेन के व्हीकल ऊपर जा रहे हैं उनको हैं। लेकिन यहाँ पर इंतजाम को चाहिए था कि जिस तरीके से जैसे ही यहाँ पर इस तरह के हालात होते हैं, मौसम पहले ही पेशन हुई थी कि वादी में बर्फबारी होती है, हवाले से इंतजाम हरकत में आना चाहिए। उन्हें पहले ही जो है ये बाधक तो नोटिफिकेशन जारी करनी थी, यहाँ पर सैयाओं ने इंतजाम लगाया कि यहाँ पर पहले से जो नोटिफिकेशन जारी की चाहिए थी। जो श्रीनगर से गाड़ियां आ रहे हैं उनको पता चल बगैर यहाँ पहुंचने के बाद काफी तादाद में जो है गाड़ियां जो है लंबी लंबी कतारें जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजाम की लापरवाही की वजह से इस तरह के नजारे जो है गुलमर्ग में देखने को मिलते हैं।
बिल्कुल, तादाद की हम बात कर रहे हैं, टूरिस्ट की काफी तादाद में वहां पर देखे जा रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कारोबार की बात करें उसके बारे में भी बताइएगा कि होटल्स बताया जा रहा है ज्यादातर मोस्टली बुक हो चुके हैं, और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? जिस तरह से बर्फबारी की बात करें, शायद इनका गुलमर्ग में काफी देर बाद जो बर्फबारी हुई है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ये नोट किया गया कि जब गुलमर्ग ने जो ऑर्डर सादर किया है यहाँ पर बादल तो सही है, काफी तादाद में जो सही आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल उनको करना पड़ता है बगैर चेन के, जो खाली फोर बाय फाइव व्हीकल जो है उन्हें गुलमर्ग की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी, और जो यहाँ के लोकल व्हीकल्स है उन्हें पहले जंजीर बांधनी पड़ेगी फिर उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इंतजामिया जिस तरह से अभी रेजिडेंट गुलमर्ग से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी भी गाड़ी को जो है बगैर जंजीर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वही अगर सियासी मुकाम गुलमर्ग की हम अगर बात करें, वहां पर इस वक्त जो है क्रिसमस की तैयारियां जो है जोरों पर चल रही है, वही नए साल की आमद पर अगर अच्छी खासी बर्फबारी गुलमर्ग में होती है तो कुछ अलग ही नजारे हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा इशफाक, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वहां पर यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोई भी गाड़ी बिना चेन के आगे गुलमर्ग की ओर नहीं जाने दी जाएगी, अब टूरिस्ट की हो या किसी मुकामी शख्स की हो, तो ग्राउंड पर क्या सच्चाई देखने को मिल रही है और इसे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए क्या जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है? ग्राउंड पर यही सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकार है वो हमारे दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर सब तैनात किए गए हैं, जो गुलमर्ग की तरफ से जो हुक्मनामा हमने अभी कहा कि सादर किया, ये नजारे हैं जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग जो है बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने सारा जो ट्रैफिक है बिल्कुल बंद किया है कि गुलमर्ग की तरफ किसी भी गाड़ी को जो है जंजीर के निशाने नहीं दिया जाते। लेकिन कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अगर हम कैमरा घुमाएंगे यहाँ पर जो कुछ सैया जो बिल्कुल इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर तब हमें इजाजत मिलेगी इंतजामिया की तरफ से गुलमर्ग जाने के लिए, और बगैर जंजीर को हमने बार बार ये कहा कि इंतजामिया को चाहिए था कि पहले बादल और नोटिफिकेशन निकाल दी कि कल जो है सियासी मुकाम गुलमर्ग में मकर मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है बर्फबारी होने वाली है और बगैर जंजीर को किसी भी गाड़ी को जो है गुलमर्ग नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो दफा में हमारे नाजिन देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की बादल और ट्रैफिक जो है गुलमर्ग की तरफ बंद कर दिया है और बगैर जंजीर किसी को भी गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी शुक्रिया इशफाक, ग्राउंड से तमाम जानकारी देने के लिए और लाइव वीडियोस दिखाने के लिए। इशफाक जिस तरह से बता रहे थे कि अगले जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना जंजीर के किसी भी गाड़ी को गुलमर्ग की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, रोड स्लिपरी है, रिस्क है, और चाहे वो टूरिस्ट है या मुकामी शख्स है, बिना जंजीर के किसी भी गाड़ी को एलो नहीं किया जा रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, और सांबा से खबर सामने आ रही है कि अगले एक हफ्ते में सांबा का जो बस स्टैंड है वो शुरू होगा, और विवाद के बीच सांबा प्रशासन ने ये बड़ा ऐलान किया है। सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ अधिकारियों को डीसी ने लताड़ भी लगाई है, और बस स्टैंड शुरू होने से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो काफी अरसे से लोगों को इंतजार था कि कब बस स्टैंड शुरू होगा और उनको सहूलियात होगी, क्योंकि इसके शुरू ना होने से, देरी होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। अब एक अच्छी खबर सांबा वालों के लिए यह है कि अगले एक हफ्ते में सांबा का जो बस स्टैंड है वो शुरू हो जाएगा, और विवादों के बाद इन्हीं विवादों के बीच सांबा प्रशासन ने ये बड़ा ऐलान किया है, और सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ अधिकारियों को डीसी ने लताड़ भी लगाई है, जिसके बाद फटाफट से ये राहत भरा फैसला सामने आया है। बस स्टैंड शुरू होने से वहां के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे वहां के मुकामी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लंबे अरसे से इंतजार था वहां के लोगों के को कि कब बस स्टैंड शुरू होगा और उनको सहूलियात मिलेगी, और काफी विवादों के बाद अब आखिरकार सांबा का बस स्टैंड अगले एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से डीसी ने सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ अधिकारियों को इसकी देरी होने पर लताड़ भी लगाई थी, और ये फैसला आने के बाद लोगों में खुशी की लहर है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब अगले हफ्ते ये बस स्टैंड शुरू होगा तो लोगों को काफी राहत इससे पहुंचेगी।
बता रहे हैं कि सांबा का जो बस स्टैंड है वो अगले एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा, जिसके और बहुत देर से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जो बस स्टैंड शुरू होना था वो शुरू नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों की वजह से, और जिसके बाद लोगों में काफी रोष भी देखा गया था। अब बहुत सारे विवादों के बाद सांबा प्रशासन का ये बड़ा ऐलान हुआ है, और सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को जब डीसी काउंसिल के जो अधिकारी हैं उनको डीसी द्वारा लगाए गए, उसके बाद ये फैसला जो है वो सामने आया है, और अब लोगों को जो है काफी सहूलियत इसे मिलेगी। तो खैर चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, क्योंकि रामबन से खबर सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद रामबन पहुंचे हैं। रामबन में जनसभा को संबोधित करेंगे गुलाम नबी आजाद। जनसभाओं में लगातार सरकार की नीतियों को लताड़ लगा रहे हैं आजाद, और चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं आजाद। तो इस वक्त तो रामबन से खबर सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद रामबन पहुंचे हैं और रामबन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो दिग्गज नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों का जो विश्वास है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग जो काफी तादाद में जनसभाओं में शामिल होते हैं उसमें बहुत सारी उम्मीदें भी उनके मन में उनके जहन में होती है कि कोई ना कोई हमारी समस्याओं को सुनेगा, समाधान जरूर होगा, उम्मीद की किरण उन्हें नजर आती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल कोशिशों में जुटी हुई है, लोगों के बीच में जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, उनकी आवाज वो बनेंगे ऐसा विश्वास वो उनके मन में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच रामबन में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद पहुंचे हैं और रामबन में जनसभा को संबोधित करेंगे। ताजा तफसीलात के लिए हमारे साथ नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा, गुलाम नबी आजाद आज रामबन पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, और क्या कुछ खास रहेगा? उस बीच आज हम देखेंगे तशरीफ लाए गए हैं, और प्रियंका मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मेरे पीछे का हुजूम है ये वो इलाका है, ये क्योंकि हालांकि 2014 इलेक्शन की बात करें तो जरूर कांग्रेस का यहाँ से एमएलए जीता था, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो कांग्रेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे एजाज अहमद खान साहब, जब उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो कांग्रेस ये मान ली कि यहाँ पे यतीम हो गई थी। उसके बाद एक इलेक्शन हुआ डीडीसी का, जहाँ पे दो टर्टल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक कूल की और एक संगलदान की, और हमने देखा था कि उस बीच कांग्रेस कहीं रेस में भी नहीं थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद सब जगह यहाँ तशरीफ लाए हैं कूल की सरजमीन पर। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहाँ जो टेम्परेचर काफी डाउन है, शिदत की सर्दी है, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन इस बीच अगर यहाँ पे लोगों का इतना हुजूम है तो कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूँ कि जो सियासी हलचल है इस पर जहाँ कांग्रेस बहुत कमजोर मानी जाती थी, जी आजाद साहब को चढ़ने वाले हैं, तो ये जो पीछे हुजूम है ये वही लोग हैं जहाँ, लेकिन आज इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ जमा हुई है, लोग जमा हुए, तो कहीं ना कहीं ये आजाद गुलाम नबी आजाद के ताई जो लोगों का प्यार है वो इन्हें यहाँ खींच लाया है इस शिद्दत की सर्दी के दौरान। जी प्रियंका जी, शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जनसभा को जो संबोधित करेंगे आज गुलाम नबी आजाद। तो इतनी शिद्दत की सर्दी है, इतनी ज्यादा सर्दी होने के बावजूद काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद के प्रति जो प्यार है या फिर उम्मीदें उनसे बंधी हुई हैं वो छलकती हुई नजर आ रही है।
पंजाब में जारी किसान आंदोलन के चलते बीते चार दिनों से जम्मू में रेल यातायात पूरी तरह से ठप हुआ है। ना तो कोई ट्रेन जम्मू से चल रही है और ना ही जम्मू पहुंच रही है, जिससे रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के पास सड़क मार्ग के अलावा सफर करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है और जम्मू से रवाना होने वाले यात्रियों में से सबसे अधिक यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर अपने घरों में लौटने वालों की है। भारतीय रेलवे द्वारा भले कुछ विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन रूट बदले जाने से ज्यादातर यात्रियों को इसका फायदा नहीं हो रहा। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर फंसे यात्री उन किसानों को कोसने को मजबूर हो रहे हैं जो पंजाब में रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। जी, किसान आंदोलन की वजह से सभी जितने भी लोग यहाँ घूमने आए हैं, कुछ दर्शन करने आए हैं, उन सभी को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घर नहीं पहुँच सकते हैं ट्रेन की, और उन्हें बाय बस जाना पड़ेगा या फिर देखते हैं कैसे क्या जाते हैं, कब ट्रेन आती हैं उस हिसाब से। और उनको, किसान को जितने भी हैं, उनको सरकार से ये मुद्दा रखना चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 1-1.5 साल हो रहे हैं, और वो अभी तक उनकी बात ना सरकार ने अभी सुनी है और ना वो सही से कह पा रहे हैं। इस वजह से आम जनता को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, ये तो एक तरीके से दूसरों को परेशान करना हुआ। अगर आपको कहना है तो आप सरकार से जाकर कहें, आप उनसे बात करें, आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? अब हम लोगों ने थोड़ी ना उनका कुछ बिगाड़ा हुआ है। हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं और यहाँ हम लोग जब आए स्टेशन पे तो पता चला कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, तो अब हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई दूसरा साधन ढूंढेंगे तभी जा पाएंगे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। 19 लोग तो हम खुद ही हैं, बाकी और भी फैमिली लोग आए हैं। ट्रेन सभी रद्द, किसानों की वजह या आंदोलन की वजह से हम लोग काफ़ी दिक्कत में आ गए हैं। नहीं तो ये इस जगह तो फिर किसान ही गलत कर रहे हैं। ऐसा आंदोलन उनको आके करना नहीं चाहिए। इससे हमारी जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, हम लोग क्या करें? दूर शहर से आए हैं, यहाँ फंस गए हैं, घर जा भी नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को ये थोड़ी ना करना चाहिए कि अब आपको जो भी आंदोलन करना, विधानसभा भवन में जाइए, कहीं भी जाइए, हमारा रास्ता क्यों बंद कर दिया है? अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? किसान आंदोलन की वजह से हमें काफ़ी समस्या देखनी पड़ रही है, और ये उनको जो भी समस्या है वो सरकार से बोलनी चाहिए। ये सब करने से क्या हासिल होगा उनको? इससे और लोगों को भी परेशानी हो रही है। कई लोग बहुत जगह फंस गए, जैसे ट्रेन पूरी रद्द हो गई तो बहुत लोग हैं जो फंसे हैं। हम भी लोग नहीं, और भी लोग हैं जो फंसे हुए। इससे सबसे ज़्यादा आम जनता को परेशानी हो रही है, जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वही रास्ते में ही रुके हैं, और घर के लोग भी परेशान नहीं है सबकी। 28 तक तो ट्रेन ही नहीं चलेंगी, उसके बाद ही चलेंगी, तो इससे घर के लोग भी परेशान हैं कि कैसे क्या होगा। हम लोग रात तो यहीं बिताएंगे, क्योंकि और कहीं हम लोग को जगह कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं मिल रही है रात बिताने के लिए। अब बस जाना पड़ेगा, बस से ही घर जाना पड़ेगा, और इतना पैसा भी नहीं है। हम लोगों को ये थोड़ी ना पता था कि ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। किसानों के प्रदर्शन के कारण रेल यातायात बंद होने से जम्मू के टैक्सी ऑपरेटर दो वक्त की रोटी से भी मोहताज हो गए हैं। इन लोगों के मुताबिक कोरोना महामारी ने पहले ही उनकी कमर तोड़ कर रख दी है, और अब रही सही कसर रेलगाड़ियों के बंद होने से पूरी हो गई है। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों के मुताबिक परिवार का पेट भरने के साथ साथ अब उन्हें गाड़ियों की किश्तें भरने की भी चिंता सता रही है। इन लोगों ने आरटीओ से उन्हें बाहरी राज्यों से जाने की अनुमति देने की मांग की, ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें, और टैक्सी ऑपरेटरों का आरोप है कि बाहरी राज्यों की टैक्सियों के बिना किसी रोक टोक के जम्मू आ रही है, लेकिन उन्हें जम्मू से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि 2 साल से आगे हम काफ़ी मार झेल चुके हैं कोरोना की वजह से, तो अभी ये थोड़ा बहुत दाल रोटी चल रहा था सबका। अब ये ट्रेन 2-3 दिन से ट्रेनें भी बंद हैं, तो यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है, और टोटली बिल्कुल कोई भी पैसेंजर ना आ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, ये ट्रेनें जो नहीं चल रही हैं उनका जल्द से जल्द मसला हल किया जाए और ट्रेनें चलाई जाएँ, जिससे लोगों की रोजी रोटी और जो लोगों को बाहर से लोग आए हैं उनको जो परेशानी हो रही है वो भी ख़त्म हो सके। इसके साथ ही मैं आरटीओ जम्मू से अपील करता हूँ कि जो हमारे स्टेट परमिट की गाड़ी है उनकी जो परमिशन जैसे पहले दी जाती थी वो खोली जाए, जिससे कि हम भी यहाँ से जो पैसेंजर अगर कहीं बाहर जाने वाला है, जहाँ कोई बीमार है, जहाँ कोई यात्रा के लिए जाता है, तो उसको लेके हम भी बाहर जा सके, क्योंकि हमारे पास सारी गाड़ी यहाँ पे स्टेट परमिट है, तो स्टेट परमिट की वजह से हम पठानकोट भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि आगे जाने से एक तो हमारा रिस्क कवर नहीं है और दूसरा वहाँ पे काफी ज्यादा जुर्माना करते हैं। पंजाब में अगर जाए या दिल्ली जाना हो किसी को, सर हमें सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए आ रही है कि अगर हम अपनी गाड़ी की 20,000 रुपया किस्त है तो हम उसको कैसे पे कर सकते हैं। हमारी गाड़ी जो है ये पठानकोट भी नहीं जा पा रही है। लोगों जो बाहर की जो ट्रेवल एजेंसी की गाड़ियां जो है वो बिना परमिशन की दिल्ली तक जा रही है, दिल्ली से आगे भी जा रही है। परेशानी तो हमें आ रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आज 4 दिनों के गाड़ियां लगा के बैठे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमारा तो लॉस चल रहा है। यहाँ पे हम तो कागज अगर न्यू कराते हैं सब कुछ हमारे खाते में आ रहा है। बाहर जो प्राइवेट गाड़ी जा रही है, दिल्ली से जो गाड़ी आ रही है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, हरियाणा नंबर की गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी, वो जम्मू में हर जगह पे इंटरव्यू जा रही है, पर क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं है? ना कोई आरटीओ पूछ रहा है, ना कोई डीसी पूछ रहा है, कोई नहीं पूछने वाला उसको। उसको कौन पूछेगा? अगर हमारी अगर पीली प्लेट अगर गाड़ी मिलती है तो आरटीओ भी आगे आ जाता है, चाहे वो कोई ट्रैफिक वाला आता है वो भी आगे आता है। कागज चेक कराओ जी, आप बताओ आपकी क्या रेट आया है। हम सब कुछ बता रहे हैं कि हमारी यूनियन की पर्ची कट रही है, यहाँ पे जो रेट होता है वही हम लेके जाते हैं। तो बाहर की गाड़ियां जो आ रही है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो डबल रेट पे जा रहे हैं। यहाँ पे 15,000 भी जा रही है, अभी पीछे ही अभी बसें बंद हुई है, तो बसें देखो यहाँ पे ट्रेनें बंद हुई है, तो बसें क्या रेट गई है? 3,000 रुपया पर डे जा रहा है, एक बंदे का किराया जो है 3,000 रुपया ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लॉस तो सबसे ज्यादा हमें हो रहा है। यहाँ पे कोई पूछने नहीं आ रहा। जो कोई पूछता है कि आपने लुधियाने जाना या उधर जाना, हम कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे जी, हमारे पास परमिशन नहीं है। क्या कर सकते हैं? जो बस का किराया जो है वो दिल्ली तक जा रहे हैं, 3,000 रुपया भी लेके जा रहे हैं, क्या उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है? ये तो आरटीओ ही करनी है, और आरटीओ को ये चीज देखनी चाहिए। पहले जैसे हमें मिलती थी, हम पंजाब जाते थे, हर जगह भी जाते थे, अब क्यों नहीं दे रहे वो? अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।